बच्चों, आज हम शेमुशी द्वितीय भागा दशम कक्षा आया कक्षा दसवीं की शेमुशी संस्कृत भाग दो उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। यह पाठ है द्वितीय। बुद्धिर बलवती सदा, सदा बुद्धि बलवान होती है, शुक सप्तति से संग्रहित ये कथा है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था इस कथा के अंतर्गत, तो आज जो इस पढ़ेंगे इसके आगे हम पढ़ेंगे और साथ ही इसके प्रश्न उत्तरों को भी पढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने मैंने आपको समझाया था कि वो जो एक स्त्री रहती है तो वो क्या रहती है, अपनी बुद्धि से काम लेती है ना। तो शेर को भी समझ में आ जाता है कि कैसे क्या करना है। इस प्रकार से जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब वो जाती है घने जंगल से तो उसके सामने क्या कौन आ जाता है, शेर आ जाता है। शेर आता है तो वो क्या करती है, अपने बच्चों को एक एक थप्पड़ मारती है और साथ में ये भी कहती है कि अरे लड़ो नहीं, अभी एक ही शेर आया है उसको ही बांट करके क्या करो, खा लो। तो वो डर जाता है। चलिए इसके आगे का पढ़ते हैं। जम्बु का हो यदि एवं तहर माम निज गले बब्ध्वा चल सद्वरम सा व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक क्रतोत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम परम प्रत्युपन्नमति सा जम्बुक माक्षीन पन्यन यंगुल्या तर्यन यत्युवाच। ने क्या कहा, तर्जयन त्यवाच, रे रे धूर्त त्वया दत्तम महाम व्याघ्र त्रयंपुरा विश्वास याद्मयी याद्यई कामनीय कमानीय तकथ्यम यासी बदाधुना। रे रे धूर त्वया दत्तम महाम व्याघ्र त्रयंपुरा विश्वास्यस्या यद्यई कामा नियत कथम यासी वदाधुना। इत्युक्त्वा धावितात् पूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा, इत्युक्त्वा धावितात् तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलवद्ध श्रृंगालिका। एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जगात् भयात् पुनरपि मुक्ता अवत। अतेव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। रे रे धूत, अन्वय देखिए, अन्वया रे रे धूत वामयम पुरम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम विश्वास्य अद्य एकम आनी कथम यासी इति अधुनावद इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूण धाविता गलवद्ध श्रृंगालिका व्याघ्र अपि सहसा नष्टा। हे तन्वी सर्वदा सर्वकार्येषु बुद्धिर्बलवती। शब्दार्थ समझिए, निज गले अपने गले में बद्ध्वा यानी बांध कर सद्वरम जल्दी से ययौ गया पुनरायांतम फिर से आते हुए जम्बुक क्रतोत् सहाद श्यार के द्वारा उत्तेजित किए हुए मुच्यताम छूटा जाए प्रत्युत्पन्नमति अति शीघ्र सोचने वाली सोचने की बुद्धि वाली आक्षिपंती यानी झड़कती हुई आक्षेप करती हुई तर जयंती यानी धमकाती हुई डांटती हुई उवाच यानी वह क्या हुई वह बोली क्या बोली वह। चलिए आइए पढ़ते हैं कि वह क्या बोली। महाम माने मुझे विश्वास विश्वास दिलाकर अनिय लाकर यासी जा रहे हो अधुना यानी अब तूर्णम जल्दी शीघ्रम शीघ्रम गलबद्ध श्रृंगालिका गले में बंधे हुए सियार वाला यानी गले बद्ध श्रृंगाल भयंकर डरावनी भयोत्पादी का भयम करोती थी तन्वी यानी सुकुमार स्त्री यानी कौमांगली स्त्री। हिंदी अनुवाद समझिए, सियार यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांध कर चलो जल्दी से। वह बाघ वैसा ही करके जंगल गया। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती ने सोचा कि सियार के द्वारा उत्तेजित हुए बाघ से कैसे छूटा जाए, परंतु अति शीघ्र सोचने की बुद्धि वाली वह सियार को झड़कती हुई उंगली से डांटती बोली, अरे धूर, तुमने पहले मुझे तीन बाघ दिए थे विश्वास दिलाकर भी, आज एक लाकर कैसे, एक ही बाघ लेकर कैसे जा रहे हो, ये अब बताओ। ऐसा कहकर डरावनी व्याघ्र हमारी शीघ्र दौड़ी। गले में बंधे हुए सियार वाला बाघ भी अचानक क्या हो गया, वह जो बाघ था वह अचानक भाग गया। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न डर से फिर से मुक्त हो गई।
इसलिए ही कहा जाता है सुकुमारी स्त्री हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान। इस प्रकार हे सुकुमार स्त्री हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही क्या होती है, बलवान होती है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं। अब यहां से जैसे कि कथा में आप बच्चों सबको समझ में आया होगा कि यहाँ पर बुद्धिमती यानी बुद्धि बलवान सदा होती है, तो बुद्धि बुद्धिमानी से किसी भी कार्य को किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है ना। अब इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखे। ये जो पाठ के बीच बीच में आपको जो इसमें पूछा जाता है तो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो कौन सा वाला है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा, गहन कान्य ने जब वो घने जंगल से जा रही थी तब देखा। फिर है भामनी कया विमुक्ता, रूपवती स्त्री किससे मुक्त हुई, निज बुद्धया यानी जब अपनी रूपवती जो स्त्री थी निज बुद्धया ने अपनी बुद्धि से, निज माने अपनी बुद्धया ने बुद्धि से अपनी बुद्धि से। दूसरा है सर्वता सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सब कार्य में यदि बुद्धि से काम लिया जाए तो सब समस्याओं का हल होता है, तो बुद्धि। व्याघ्र अकस्मात विभेति, बाघ किससे डरता है, मनुष्याद मनुष्य से। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमति किम आक्षिपंती हुआ, अतिशोघ्र अति शीघ्र सोचने की बुद्धि वाली बुद्धिमति किसको झिड़कती हुई बोली, जम्बुकम। किसको झिड़कती हुई बोली, जम्बुकम को झिड़कते हुए बोली। फिर है दूसरा अधोलिखता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर को आपको किस भाषा में देना है, संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा में ही आपको परीक्षाओं में लिखना होंगे। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्ग्रहम प्रति चलिता, बुद्धिमती जो थी वो किसके साथ पिता के घर जा रही थी, तो आपको मैंने जैसे पढ़ाया था कि उसके दो पुत्र थे, तो बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्ग्रहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर चली। व्याघ्र किम विवार्च्य विवार्च्य पलायत, बाघ क्या सोचकर भागा, व्याघ्र मारी काचित यमिति विचार पालयता, बाघ यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा सोच करके वो भागा। लोके महतो भयात कह मुच्यते, संसार में बड़े बड़े भय से कौन छूट जाता, लोको महतो भयात बुद्धिमता मुच्यते, संसार में बड़े बड़े भय से बुद्धिमान छूट जाते हैं। जम्बू कह किम बदन व्याघ्र से उपहासम करोती, स्यार क्या कहता हुआ बाघ के उपहास करता, व्याघ्रत्वाया मात कौतुम आवेदितम यन मानुषादपि विभेषी इति वदन जम्बू कह व्याघ्रस उपहासम करोती, हे बाघ तुमने बड़ी हंसी की बात बताई कि मनुष्य डरते हो, ऐसा बोलते हो स्यार बाघ का उपहास करता है। फिर है बुद्धिमती श्रृंगालम की मुक्तवती, बुद्धिमती स्यार से क्या बोली, रे रे धूर त्वया महम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम, तुमने तीन बाघ बोले थे ना, विश्वासस्य देकमानी कथम यासी थी बुद्धिमती श्रृंगार, अरे फिर विश्वास दिलाकर आज एक कैसे लेकर आ, ऐसा बुद्धिमती ने स्यार से कहा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्थूल पदा पद्माधृत्र प्रश्न निर्माण, मोटे जो अक्षर है उसके आधार पर आपको क्या करना, प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे दिया है का तत्र आज हिंसो नाम राजपुत्र वसती इसमें, वहां राज सिंह नाम का पुत्र राजपुत्र रहता था। तो अब जिसका जो प्रश्न निर्माण आएगा उसको कैसे करना है, तत्र को नाम राजपुत्र वसती है ना, तो को लग जाएगा। फिर है कि वहां कौन नामक राजपुत्र रहता था, बुद्धिमती चपेट या पुत्र प्रहवती, बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, बुद्धिमती कया पुत्र प्रहतवती, बुद्धिमती ने किससे दोनों पुत्रों को मारा। फिर है व्याघ्रम दृष्टवा धूर्ता श्रृंगाला अवदत, बाघ को देखकर धूर्त स्यार क्या बोला, तो प्रश्न निर्माण है कम दृष्टवा धूर्त श्रृंगाला अवदत, यानी किसको देखकर धूर्त स्यार बोला, किसको देखकर धूर्त स्यार, ये प्रश्न निर्माण है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कम क्या लगेगा, कम दृष्टवा धूर्त श्रृंगाला अवदत है ना। फिर है तुम मानुषात विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो, तो अब इसका प्रश्न निर्माण क्या आएगा, प्रश्न निर्माण तुम कस्मात विभेषी, यहाँ पर क्या लग गया, कस्मात तुम किससे डरते हो। इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करते जाना है। फिर है पुरात्वाया महम व्याघ्र त्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे तीन बाघ दिए थे है ना, तो प्रश्न निर्माण में क्या आएगा, पुरात्वा कस्मै व्याघ्र त्रयम दत्तम,
पहले तुमने किसको 3 बाघ दिए थे? तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो रहा है, पुरा त्वया कस्मै। इस प्रकार अब ये प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारेण योजयत। नीचे लिखे वाक्यों को घटना क्रम के अनुसार हमको क्या करना है, मिलाना है। जैसे जैसे घटना घटित हुई है उस हिसाब से उसको उस क्रम में जब हम रखते हैं तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, घटनाक्रम। घटनाक्रम माने जैसे कोई भी आप एक कथा या कोई कहानी, ऐसे अपन कहते हैं ना, एक राजा था, फिर उसका नगर बहुत सुंदर था, उसके नगर में लोग तो कैसे कैसे था, है ना। अब ये आपको ऊपर नीचे दे दिया गया कि नगर बहुत सुंदर था, राजा बहुत धनी था, वो बहुत दानी था, तो ये सब ऊपर नीचे। अब इसमें क्या अपन को क्या करना, घटनाक्रम से जमाना, यानी जैसे इसी प्रकार आपको मैं यहाँ पर जो दिया हुआ है घटनाक्रम, ये आपको मैं समझा रही हूँ कि इस प्रकार से आपको उसको जमाना। तो सबसे पहले जो आएगा उसमें है च, यानी बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितृगृह प्रतिचलति। वो अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। फिर आएगा घ, मार्ग, मार्गे सा एकम व्याघ्र अपश्यत, यानी वो मार्ग में क्या देखती है, एक बाघ को देखती है। फिर व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्र उताड़यन्ति उवाच, अधुना एकम व्याघ्र विवच भुज्यता। तो वह अपने पुत्रों को मारती है और कहती है, अरे एक ही बाघ को, एक बाघ जो देखा है उस बाघ को मार के, मतलब दोनों आधा आधा ले लो, लड़ो नहीं, ऐसा बोलती है ना। फिर ये आएगा, इसके बाद व्याघ्र, व्याघ्र मारी यमिति मत्वा पालित। तो वह अपने जो बाघ होता है उसको, अरे ये तो बाघ को मारने वाली है, व्याघ्र मारी है ये तो, इस प्रकार से वह अपने मन में सोच लेता है। फिर है गा जंबु, जंबु कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। फिर वो जो स्यार होता है उसको पूछता है कि अरे ऐसे थोड़ी ना, चलो हमारे सामने। तो वह उसको लेकर के आता है। फिर इसके बाद प्रत्युत्पन्न मति ही सा संग्राम आक्षिपंति बात। अब वो सोचती है कि अरे ये तो बाघ को लेके आ गए, ये तो फिर से मेरे मतलब हमला करेगा, या उसके मन में आता। तो वो बाघ के सामने, स्यार की और बाघ की डरती नहीं वो, बल्कि स्यार से क्या बोलने लगती, प्रत्युत्पन्न मति, मतलब कि अरे सा संग्राम आक्षिप, तुम एक ही बाघ को लेकर आए, ये आएगा। फिर अच्छा त्वं व्याघ्र त्रय आने तुम प्रतिज्ञा एकम आनीतवान। फिर वो क्या बोलती है उससे, अरे क्यों मैंने तुमसे, श्यार से बोलती, क्यों मैंने तुमसे बोला था कि तुम 3 बाघ को तुम लेकर आने वाले थे, तो तुमने एक ही बाघ को भेजा। फिर गलवद्ध श्रृंगाल का व्याघ्र पुनी पाले था। फिर इसके बाद उनको ये रहता है कि वो नहीं, ये तो व्याघ्र मतलब मारने वाली है, इस प्रकार से वह। तो ये जो है आपको घटना जो जैसी जैसी घटित हुई है आपको उसके हिसाब से क्या करना है, इसको पूरा करते जाना है। चलिए इसके बाद संधि, संधि विच्छेद वाक्रूप, संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। इसमें दिया है पितु ग्रहम, तो क्या आएगा, पितु धन ग्रहम, एक धन एक, अन्यो अपि का क्या आएगा, अन्य धन अपि, इत्युक्त्वा यानी इति धन उक्त्वा, त्रस्तास्ते यत्र, यत्रास्ते यानी यत्र धन आस्ते, यत्र धन आस्ते यत्रास्ते। फिर है अधोलिखितानां पदानां अर्थं कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ कोष्टक से चुनकर लिखना है। आपने देख रहे होंगे यहाँ पर जैसे लिखा है ददर्श, है ना, तो आपको कोष्टक में दिया है दर्शितवान या दृष्टवान। अब इसमें से जो सही शब्द होगा उसको आपको क्या करना है, चुनकर लिखना है। फिर है जगात यानी अकथयत, है ना, अगच्छत, ययौ याचितवान, गतवान, अत्तुम खादितुम, आविष्कर्तुम, मुच्यते, मुक्तो भवति, मग्नो भवति, इक्षते, पश्यति या इक्षति। इस प्रकार इसके जो पहले वाले का आएगा का ददर्श का आएगा दृष्टवान, जगाद का आएगा अकथयत, ययौ का आएगा गतवान, अत्तुम का आएगा खादतुम, है ना, मुच्यते यानी भुक्तो, मुक्तो भवति, फिर इक्षते का आएगा पश्यति। इस प्रकार से ये आपको उसके जो पद जो दिए गए हैं उसके इसमें क्या है, उसमें अर्थ दिए गए हैं। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको जो कक्षा 10वीं की संस्कृत द्वितीय भाग के अंतर्गत जो मैंने आपको बल बुद्धि यानी बुद्धि ही सदा बलवती रहती है,
तो ये मैंने आपको जो कथा पढ़ाई, इसके जो प्रश्न उत्तर है वो समझाए आपको मैंने, और जो भी पाठ में आपके जो संधि या पर्याय शब्द या जो इस प्रकार बच्चों आपको जो भी प्रश्न उत्तर मैंने समझाए हैं, आपको अपने रजिस्टर में कॉपी में बेटा आप बना लीजिए और इसको बहुत अच्छे से लिखते जाइए, और लिखकर बेटा प्रश्न उत्तरों को क्या करना है आपको याद करना है। धन्यवाद बच्चों।